केदारनाथ में चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं का तीर्थाटन भी खूब हो रहा है। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है और इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल बेहद ही है। सभी मंदिरों में नेता पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रसिद्ध महाकाली पीठ में गुरुवार को कांग्रेस के नेताओं ने पूजा अर्चना की थी, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने यहाँ पहुंचकर अब पूजा पाठ की है। तो वही बता दें कि मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीत राठी ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा दें। ये केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में यानी केदार घाटी में महाकाली सिद्धपीठ है, और चूंकि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी चल रहा है, आगामी 20 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है, तो इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस सिद्धपीठ पर आकर अपना मत्था टेक रहे हैं और अपनी जीत की कामना कर रहे हैं, अपनी जीत के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय मंदिर के भीतर महाकाली की पूजा कर रहे हैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा दीप्ति रावत, तो दोनों ने यहाँ पूजा की और एक ही बार में दो काम हो रहे हैं, चुनाव प्रचार भी हो रहा है और पूजा पाठ भी हो रहा है। मतलब यानी सियासत और आस्था का एक अनूठा संगम आज के समय में श्री महाकाली मंदिर सिद्धपीठ यहाँ बन गया। कालीमठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धपीठ है, आस्था के और धर्म के नज़रिए से उसका बड़ा महत्व है, और यहाँ आप देख सकते हैं पूजा अर्चना चल रही है, ढोल दमाऊ के साथ सारी चीज़ें जो भी परंपरागत तरीके से होता है वो सब हो रही है। तो ये एक तरह से चुनाव के समय आस्था और चुनाव प्रचार दोनों यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, और ये एक अवसर की भी बात है। कल यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता आए, उन्होंने पूजा पाठ की, अर्चना की, आज भाजपा के नेताओं ने यहाँ पर पूजा अर्चना की, और ये सिद्धपीठ है, यहाँ मनोकामना पूरी होती है ऐसी मान्यता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए कालीमठ केदार घाटी से अजीत सिंह राठी। तो वही केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, तो वहीं कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से वापस पाना चाहती है, और यही वजह है कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जमीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ लोगों का कहना, बता रहे हैं न्यूज़ टेट संवाददाता अजीत राठी। केदारनाथ में चुनाव है और राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जोरों पर हैं और प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जहां मैं खड़ा हूं यहां से आगे केदारनाथ विधानसभा शुरू होती है। ये सिल्ली गांव है और सिल्ली गांव को आप एक तरह से गेटवे ऑफ केदारनाथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कह सकते हैं, यानी ये विधानसभा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का पहला गाँव है, तो इसको केदारनाथ विधानसभा का मुख्य द्वार भी कह सकते हैं। अभी तक कुल मिलाकर केदारनाथ विधानसभा पर जब से राज्य बना 5 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, पूरे प्रदेश में ही 5 बार हुए हैं, और 5 में से 4 बार यहां के लोगों ने महिलाओं को जिताया है, एक बार कांग्रेस से और बाकी भाजपा से, और इसके अलावा कांग्रेस से एक बार मनोज रावत 2017 में भी जीते हैं। मनोज रावत कांग्रेस से थे और 2013 की आपदा के ठीक बाद वो इलेक्शन भी हो रहा था। कुल मिलाकर यहाँ के क्षेत्र के लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी महिलाओं को विधानसभा में भेजने में रही। 94,000 मतदाताओं की संख्या वाली इस विधानसभा सीट पर राजपूत मतदाता सर्वाधिक हैं, और फिर दलित और ब्राह्मण, और फिर दूसरे वोटर्स आते हैं। कुल मिलाकर इस बार मुकाबला पूरी तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमटता हुआ दिख रहा है। यहाँ से जब विधानसभा की ये यात्रा शुरू होगी, और आगे आगे मैं आपको बताता चलूंगा, अपने दर्शकों को बताता चलूंगा किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मुकाबला पूरी तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमटता दिख रहा है। हालांकि यूकेडी और एक निर्दलीय ने भी यहां पर ताल ठोकी है, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी, यानी आज 14 तारीख है, और जब 20 नवंबर को आज से 6 दिन बाद वोटिंग होगी, तो वोटर का मिजाज क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता। वोटर क्या कहता है या साइलेंट रहता है, इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार बताता चलूंगा, और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का चुनाव हो रहा है ये जानकारी हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से अजीत सिंह राठी।